परिवार पे अत्याचार हो रहे जी, और जो है पुलिस आती है जी, ना कोई नाम है ना गांव है जी, पाषण भांडे ने फोड़ जाती है जी। आज जो हमारा बहरा हुआ तो मर गया, छोटे बालक को छोड़ के मर गया, उसकी एक अम्मा है, उसके बालक हैं, चार पांच बालक हैं जी, उनके साथ सारी तोड़ फोड़ कर दिया जी, मशीन वगैरह और फ्रिज वगैरह कूलर वगैरह सब तोड़ दिए जी, और पंखा खाट खटोली सब काट दिया जी, और उनको तो दबाव पड़ रहा है जी। अब ये तो राजनीति चल रही है हमारे बच्चों के ऊपर, वे नू जानते जी हमारे में ही आ जाओ, वे नू जानते हमारे में ही आ जाओ जी, हम गरीब आदमी हैं, हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है जी, हमारी कोई सुनाई ना कर रहा, अगर आप सुनाई ये नहीं करेंगे तो जी हम आगे टिक जाएंगे, हाई कोर्ट टिक जाएंगे। कई बार ऐसे तंग करे मेरे बच्चा छोटे छोटे थे, बाड़ा कर उनके ऐसे बोला घर से पड़ी है, वह बहुत देसी पुलिस आया, अच्छा है घबराना, एक छोरत मेरे ज़्यादा बीमार है, और जब आप कोई अटेक वटेक होगी मर गया तो उसकी जिम्मेदार पुलिस रहेगी। उसने तीन हमला कर दिया, फिर फ्रिज कूलर सारी अलवारी बासन भांडा जितनी खाट खटवली सारी मशीन अनझाने सारा तोड़ दिया, खाना खाने तलाश लिया हमारे घर की अलवारी की घना की जेवर की सारा, और खुद मोली चलाई आप खुद आप चलाई जो जो तीन तीन बार चलाई मोली खुद। नुहू जिले के पिनंगवा थाना अंतर्गत गांव रीठट के लोगों ने आरोपियों को पकड़ने जा रही पुलिस पर घरेलू कीमती सामान की तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने एक ही घर में तोड़फोड़ नहीं की बल्कि कई घरों में तोड़फोड़ की गई, जिनमें फ्रिज कूलर कपड़ा धोनी मशीन चारा काटने मशीन संदूक अलमारी बाइक कपड़ा सिलाई मशीन चारपाई खाना बनाने वाले बर्तन तक शामिल हैं। आरोप है कि गांव में लगातार दबिश दे रही पुलिस बेकसूर लोगों को तंग कर रही है, जबकि जिन लोगों के नाम से मुकदमा दर्ज है उनके घर पर दबिश नहीं दी जा रही है। ऐसा हम नहीं रेठट गांव के लोगों का कहना है, उनका कहना है कि बार बार पुलिस द्वारा सामान में हो रही तोड़फोड़ के डर की वजह से उनके छोटे छोटे बच्चे पूरी तरह से डरे सहमे हुए हैं, जो दहशत के चलते बीमार हो रहे हैं। रीठट निवासी सकूनत पत्नी इरफान हकीमन मुबारक इकबाल सहित कई लोगों ने बताया कि बीते दिनों उनके गांव से पुलिस ने अहमद उर्फ कोद नाम के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया था, जिनमें पुलिस पर आरोपी के परिवार वालों की ओर से पथराव किया गया था, जिसमें पुलिस ने करीब दो दर्जन से अधिक लोगों पर केस दर्ज किया था। लोगों का आरोप है कि मुकदमे में कुछ लोगों के नाम सहित केस दर्ज किया गया और कुछ अन्य पर आरोप है कि पार्टीबाजी के चलते गांव के कुछ लोगों ने इस मामले में ऐसे लोगों के नाम लिखवा दिए जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें अब पुलिस परेशान कर रही है। वहीं जब इस मामले में पिनंगवा थाना प्रभारी चंद्रभान से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने किसी के घर पर किसी सामान की तोड़फोड़ नहीं की है। रीठट के लोगों द्वारा सामान तोड़फोड़ करने के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं, पुलिस केवल आरोपियों को पकड़ने गई थी। देखिए ये रिपोर्ट। गांव कौन सा है? रीठट। ये क्या मामला आपका भाई? मामलो कहा कुछ मामलो ना हो कहा ना, हमने कुसाई बात की कुछ पता नहीं, हमारा आई पुलिस अचानक पुलिस आई तो ने कही यही इरफान का घर, मैं बोली हाँ यही इरफान का घर, यही तैयब का घर, मैंने कहा यही तैयब का घर, तो कहाँ पर इरफान, मैंने भाई जंगल लो गया, नौका अच्छा उस पर माल है कमरा खोल, मैंने कही कमरा खोल दिया चाबी, मैंने कही भाई चाबी अलवारी में लटक रही आप खोल लियो, नौका ना ना आप खोलो, मैंने चाबी खोली भाई पूरा घर की तलाशी ली, मेरे जेवर की सब की पूरा रखना अपन ने खोला, बेड फेंकगा बेड का कब्जा उपाड़गा सारी अचेटी जितना भी सामान समझो सारे फेंकगा, और नो कह के गया हाँ अक्का नाम है पीएस कर दीजो तावड़वाड़ थाना में चाहे पुलिस में, मैं बोली भाई पीएस कर देंगे आप कहा बात है, कुछ बात बता, हमने तो आप कुछ मालूम नहीं कहा लगाओ का इन आरोप, उस पे माल है और जो चोर पकड़ो गया है उसने उसका नाम लिया, मैंने हमारा वहाँ का चोर का कोई कांटेक्ट ना भाई, वो कैसे नाम ले दे हमारा, नुक हम तो खंजाए हुए आया हाँ और वापस कर दियो, मैं ठीक है भाई बात क्यों करूँगा है ना, फिर वह चलागा फिर चलागा तो सारा सामान फेंका, फिर आई पुलिस कई बार आ गई, ऐसे ही तंग करे मेरे बच्चा छोटे छोटे छे रो बाड़ा का उनके ऐसी होलक धसी पड़ी है, वह बहुत इसी पुलिस आया अच्छा है घबरामा, एक छोरत मेरे ज़्यादा बीमार है, और जब आप कोई अटेक वटेक होगी मर गा तो उसकी जिम्मेदार पुलिस रहेगी, सास मेरी बुजुर्ग है वन अकेला पे जिंदगी काटी है छोटा सा 4 साल का छोड़ के उसका बाप मर गा,
और वहाँ को ऊपर वाला अपनी जिंदगी तपाइए और वहाँ के ज्यादा हौलक धसी पड़ी है और उनको उससे पेश करो, उसे हाजिर करो। और गाँव वाला लगा पड़ा चिड़बद पार्टी बंदी चल रही है, वो अकेलो है, वह 16-17 किला है, उसके वजह से अक्सर दिया वो फंसी में और जमींदार करा है दोनों आदमी। और कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान इतना हुआ है जितनी मेरी संजोही ब्याह की चाखी मशीन, सारी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, इन्वर्टर, बैटरा सारा ने तोड़ गा, मोटरसाइकिल है सब है, और न्यार कूटनी भैंसन की मशीन बिना छोड़ी, और भैंस बीमार है मेरी, भैंसन पे लाठी बरसाइया, मौसु रंडी पंडी कही है बका है मौसु, और मैं भाई भाई करके बोल रही है भाई मैं हमारे ब्याह का सामान या है मत तोड़, भाई कहा बात हम नाजायज फंसाया हाँ, जायज नाजायज की पहचान करो खूब, जिन्हें जायज है उन्हें पकड़ो, नाजायज उन्हें निकालो, और भाई खाना तकात बर्तन हाँ जो हुए बिना छोड़ा, खाट और पंखा ऊपर नीचे का जितनी भी संजो है सारी संजो है, कुल मिला बात है तोड़ के जब गया। मामला ये है जी, हमारे परिवार पे अत्याचार हो रही है जी, और जो है पुलिस आती है जी, ना कोई नाम है ना गांव है जी, बांसन बांधे ने फोड़ जाती है जी। हाँ जो हमारा बहरा हुआ तो मर गया, छोटे बालक को छोड़ के मर गया, उसकी एक अम्मा है, उसके बालक हैं 4-5 बालक हैं जी, उनके साथ सारी तोड़ फोड़ कर दिया जी, मशीन वगैरह और फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह सब तोड़ दिए जी, और पंखा खाट खटोली सब काट दिया जी, और उनके तो दबाव पड़ रहा है जी। अब ये तो राजनीति चल रही है जी हमारे बच्चों के ऊपर, वे नू जानते जी हमारे में ही आ जाओ, वे नू जानते हमारे में ही आ जाओ जी, हम गरीब आदमी हैं, हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है जी, हमारी कोई सुनाई ना कर रहा, अगर आप सुनाई नहीं करेंगे तो जी हम आगे तीक जाएंगे जी, हाई कोर्ट तीक जाएंगे, चाहे मतलब हम कैसे भी जाएँ जी, गरीब हाँ कोई ना जी, हमारे साथ बहुत नुकसान कर दिया है, नुकसान इतना होगा कि जब कोई तोहद ना है, बच्चे घबराए हुए हैं, बाचक बच्चे बीमार पड़े हैं, अगर कोई भी हेस नेस मेरे बच्चों के साथ होगी तो मैं सीधा सट जो पुलिस पे कार्रवाई करूँगा।